आज के अखबार की एक सबसे प्रमुख खबर यह है कि रायबरेली में एक ब्लॉक में 19,545 फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनाए गए। पूरे रायबरेली में नहीं, रायबरेली के एक ब्लॉक में, और उस पूरे ब्लॉक में भी नहीं, एक ब्लॉक के 6 गांव में 19,545 फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट। दूसरी खबर, कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस के सामने फिर से गैस सिलेंडर रखा गया, ट्रेन को डिरेल करने की कोशिश की गई। तीसरी खबर, उत्तर प्रदेश में फतेहपुर में बाकायदा चंगाई सभा लगा के दलितों को कन्वर्ट किया जा रहा था। चौथी खबर, गुजरात के सूरत में रात को पत्थरबाजी हुई है और काफी लोग घायल हो चुके हैं। सूरत की सबसे खास बात यह है, बहुत प्रमुख शहर तो है, गुजरात के गृह मंत्री का भी गृह क्षेत्र है। मैं इसलिए कह रहा हूं, इसमें से कोई भी समस्या लाइलाज नहीं है, इसमें से कोई भी समस्या विश्वव्यापी नहीं है। इसमें जितनी समस्या मैंने आपको बताई है, ये भारत में हो रही है, सिंगापुर में नहीं होती है, जापान में नहीं होती है, दुबई में नहीं होती है, अमेरिका में नहीं होती है, रूस में नहीं होती है। और ये जो समस्या मैंने बताई है, वो यूपी और गुजरात की बताई है, और यूपी और गुजरात में ट्रिपल इंजन की सरकार है। जो मैं बार बार कहता हूं ना, डॉक्टर बदलने से बीमारी खत्म नहीं होती, बीमारी खत्म होती है दवाई बदलने से, वैक्सीन बदलने से, इंजेक्शन बदलने से, सिरप बदलने से। बीमारी खत्म होती है ढंग से ऑपरेशन करने से। बीमारी खत्म होती है जब पूरी तरीके से, सही तरीके से चीरा लगा के जो वहां गांठ बनी उसको निकाल दिया। ऑपरेशन जब बढ़िया नहीं होगा, बीमारी ठीक नहीं होगी। बातें करने से और आरोप प्रत्यारोप करने से, टीवी में डिबेट करने से, संसद में डिबेट करने से ना, बीमारी तब ठीक होगी जब दवाई बदलेगी, इंजेक्शन बदलेगा, सीरप बदलेगा, अच्छी तरीके से ऑपरेशन होगा। भारत में ये जितनी समस्याएं चल रही हैं, इसका सबसे बड़ा कारण ये है, न शिक्षा में संस्कार है और न कानून का खौफ। शिक्षा व्यवस्था हमने बदली नहीं, मिशन जो 1900 अंग्रेजों ने जो शुरू किया था, सीबीएसई बोर्ड आज भी चल रहा है, मैं काले शिक्षा आज भी चल रही है, मिशनरी शिक्षा आज भी चल रही है, मदरसा एजुकेशन सिस्टम आज भी चल रहा है। शिक्षा का भारतीकरण हमने किया ही नहीं। जो हमारी गुलामी की पहले की शिक्षा व्यवस्था थी, जो वैदिक शिक्षा व्यवस्था थी, गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था थी, जिसमें हम वेद पढ़ाते थे, पुराण पढ़ाते थे, भगवदगीता की ऋचाएं भगवदगीता पढ़ाते थे, हम वाल्मीकि रामायण पढ़ाते थे, अपने महापुरुषों के बारे में पढ़ाते थे, अष्टांग योग पढ़ाते थे, वो नहीं पढ़ाया जा रहा। गुलामी की शिक्षा चल रही, जितनी समस्याएं हैं उसका मूल कारण है गुलामी की शिक्षा, गुलामी की पुलिस व्यवस्था, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था, गुलामी की टैक्स व्यवस्था। हम अगर चाहें तो मुकदमों का फैसला 3-3 महीने में शुरू हो जाएगा, 2-2 महीने में शुरू हो जाएगा, जो छोटे मोटे अपराध है इनका 1-1 महीने में शुरू हो जाएगा, लेकिन हमने इस दिशा में सोचा ही नहीं। नार्को पॉलीग्राफ बिल में भी हमने कानून बनाया नहीं, झूठ बोलना हमने गंभीर अपराध घोषित नहीं किया। दुनिया कहां से कहां चली जा रही है और हम खुद भी आगे जा चुके हैं, अग्नि बना लिया, ब्रह्मोस बना लिया, आईफोन लेके घूम रहे, क्या क्या कर लिया, लेकिन नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून नहीं बनाया कि कम से कम झूठ पकड़ लिया जाए 24 घंटे के अंदर। तो मुकदमे चलते जा रहे हैं। अगर भारत को बचाना है ना, तो सबसे पहले माइनॉरिटी को डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बने हैं ये सारे माइनॉरिटीज ने बनवाए। कानपुर में जो गाड़ी को पलटाने की कोशिश की गई है, ट्रेन को डिरेल करने की कोशिश की गई है, ये भी सरकारी माइनॉरिटी ने किया। फतेहपुर में जो कन्वर्जन कर रहे थे, ये भी सरकारी माइनॉरिटी है, और गुजरात के सूरत में जो पत्थरबाजी किया है वो भी सरकारी माइनॉरिटी है। आप जरा सोचिए ना कि भारत ऐसा देश है जहां माइनॉरिटी कम्युनिटी पत्थरबाजी करती है मेजॉरिटी के ऊपर, माइनॉरिटी कम्युनिटी कन्वर्ट करती है मेजॉरिटी को। भारत ऐसा देश है जहां माइनॉरिटी कम्युनिटी कह रही है कि नहीं, धर्मांतरण नियंत्रण कानून नहीं बनना चाहिए, मेजॉरिटी कम्युनिटी कह रही है धर्मांतरण नियंत्रण कानून बनाओ। मेजॉरिटी कम्युनिटी कह रही है यूनिफॉर्म एजुकेशन लागू करो, मेजॉरिटी कह रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करो, मेजॉरिटी कह रहा है घुसपैठ नियंत्रण कानून बनाओ, मेजॉरिटी कह रहा है धर्मांतरण नियंत्रण कानून बनाओ, मेजॉरिटी कह रहा है जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाओ, और फिर भी कोई बात ही नहीं सुन रहा है। सबको माइनॉरिटी की चिंता है, माइनॉरिटी नाराज नहीं होने चाहिए। वो माइनॉरिटी वोट दे या ना दे, वो नाराज नहीं होना चाहिए। मेजॉरिटी लाख चिल्लाता रहे, मेजॉरिटी लाख कहता रहे पुलिस रिफॉर्म करो, इलेक्शन रिफॉर्म करो, जुडिशियल रिफॉर्म करो, एजुकेशन रिफॉर्म करो, टैक्स रिफॉर्म करो, नहीं, हमें माइनॉरिटी कम्युनिटी खुश रहना चाहिए। ये दुर्भाग्य इसलिए है कि भारत का जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो एक तो संगठित नहीं है, और संगठित होकर कोई बात कह नहीं पा। भारत अगर हमने धर्म और रिलीजन को डिफाइन नहीं किया, और सारे हमने हिंदू धर्म को भी अगर रिलीजन समझ लिया, और हमने सब सारे रिलीजन को एक समान समझ लिया, तो भारत की बर्बादी निश्चित है। धर्म और रिलीजन को डिफाइन करना ही पड़ेगा, माइनॉरिटी को डिफाइन करना ही पड़ेगा, मजहब के आधार पर जितने नियम कानून है उनको खत्म करना ही पड़ेगा,
अगर भारत को बचाना है तो जो मजहब के आधार पर कानून बना है, मजहब के आधार पर बोर्ड बना है, मजहब के आधार पर ट्रिब्यूनल बना है, मजहब के आधार पर योजनाएं चल रही हैं, मजहब के आधार पर अलग अलग स्कीम चल रही है, मजहब के आधार पर जो घर दिया जा रहा है, मजहब के आधार पर जो वजीफा दिया जा रहा है, इसको रोकना पड़ेगा। अरे जब विभाजन मजहब के आधार पर हो गया तो फिर मजहब के आधार पर ये क्यों एक तरफ कहते हैं भारत सेकुलर है और दूसरी तरफ मजहब के आधार पर योजनाएं चल रही है? एक तरफ कहते हैं भारत सेकुलर है, सब एक समान है, और दूसरी तरफ मजहब के आधार पर विशेष दर्जा दिया जा रहा है, मजहब के आधार पर लोगों को अपना नफरत खोलने वाले स्कूल चलाने की परमिशन दे रखी है। ये डबल स्टैंडर्ड कब तक चलेगा? अगर हम भारत को बचाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें 1894 में जो अंग्रेजों ने लैंड एक्विजिशन एक्ट बनाया था और वो कानून बना के उन्होंने पूरे भारत में उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम लाखों एकड़ जमीन जो चर्च को बांट दिया है, उस जमीन को सरकार को टेक ओवर करना ही पड़ेगा। अगर हमें मिशनरियों पे कंट्रोल करना है, उनको ठीक से उनको रखना है, तो हमें उनको दी गई लाखों एकड़ जमीन वापस लेना ही चाहिए। जब तक नहीं लेंगे तब तक मिशनरियां बेकाबू होकर अपना काम करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि भारत बचे, भारत की संस्कृति बचे, तो ये जो मुगलों की जमीन थी, जो नवाबों की जमीन थी, जो निजामों की जमीन थी, जो ये जमींदारों की जमीन थी, जिसको आज की डेट में कहते हैं वक्फ बोर्ड की जमीन हो गई, इसको सरकार को वापस लेना ही पड़ेगा। अगर सरकार नहीं लेगी ना तो फिर इन पे कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर हम चाहते हैं कि भारत बचे, भारत की संस्कृति बचे, एक हमें नागरिकता कानून बनाना पड़ेगा और उसमें साफ साफ लिखना पड़ेगा जो भारत को नहीं मानेगा, भारत की संस्कृति को नहीं मानेगा, भारत की परंपरा को नहीं मानेगा, भारत के दर्शन को नहीं मानेगा, भारत की सोच को नहीं मानेगा, जो वसुधैव कुटुंबकम नहीं मानेगा, नारी तू नारायणी नहीं बोलेगा, नहीं मानेगा, जो सर्व मंगल मांगल्य को नहीं मानेगा, जो वंदे मातरम नहीं बोलेगा, जो भारत माता की जय नहीं बोलेगा, उसकी नागरिकता खत्म हो। अगर भारत को बचाना है तो भारत में कालाधन हवाला के खिलाफ कठोर कानून बनाना पड़ेगा, विदेशी चंदा नियंत्रण के खिलाफ कठोर कानून बनाना पड़ेगा। भारत को बचाना है तो यूनिफॉर्म पुलिस कोड लागू करना पड़ेगा, पूरे देश की पुलिस को एक स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाना पड़ेगा। अगर हमें भारत को बचाना है तो एक यूनिफॉर्म जुडिशियल कोड बनाना पड़ेगा, जुडिशियल चार्टर लागू करना पड़ेगा और जजेस के लिए मैंडेटरी करना पड़ेगा कि वो हर हालत में मैक्सिमम एक साल के अंदर मुकदमा डिसाइड करें। अगर हमें भारत को बचाना है तो हमें यूनिफॉर्म पिनल कोड लागू करना पड़ेगा, जो हमने कानूनों का घटिया कानूनों का मकरजाल बना रखा है उसको खत्म करके हमें अमेरिका के फेडरल पिनल कोड जैसा एक वन नेशन वन पिनल कोड लागू करना पड़ेगा। अगर भारत को बचाना है तो हमें जस्टिस विद इन ईयर लागू करना पड़ेगा। अगर भारत को बचाना है तो हमें घुसपैठ को देशद्रोह घोषित करना पड़ेगा, घुसपैठियों और उनके मददगारों की 100% संपत्ति जब्त करने, नागरिकता खत्म करने और आजीवन कारावास फांसी देने के लिए कानून बनाना पड़ेगा। भारत को बचाना है तो धर्मांतरण को देशद्रोह घोषित करना पड़ेगा, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करना पड़ेगा और धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों जिहादियों की 100% संपत्ति जब्त करने, नागरिकता खत्म करने, आजीवन कारावास फांसी देने के लिए कानून बनाना पड़ेगा। भारत को बचाना है जनसंख्या विस्फोट रोकने के लिए कठोर कानून बनाना पड़ेगा। भारत को बचाना है तो ड्रग स्मगलिंग के खिलाफ कठोर कानून बनाना पड़ेगा। भारत को बचाना है तो जो कुछ यहाँ भारत में विदेशी कल्चर चल रहा है इसको रोकना पड़ेगा, ये जो झूठा इतिहास पढ़ाया जा रहा है वामपंथियों को, इसको बदलना पड़ेगा। अगर भारत को बचाना है हमें टैक्स रिफॉर्म करना पड़ेगा, हमें जुडिशियल रिफॉर्म करना पड़ेगा। भारत को बचाना है तो नियम कानून को बदलना पड़ेगा। तू मैं करके कुछ नहीं होगा। आप कल्पना करिए, उत्तर प्रदेश में जहां योगी जी का इतना बड़ा खौफ है, वहां रायबरेली के एक ब्लॉक में 19,545 फर्जी डॉक्यूमेंट बन गए। आप सोच लीजिए बंगाल में कितना बन रहा होगा, केरल में कितना बन रहा होगा, झारखंड में कितना बन रहा होगा, जहां जहां गैर बीजेपी की सरकारें हैं वहां कितना बन रहा होगा। आप खुद सोचिए, अगर उत्तर प्रदेश में आज भी धर्मांतरण हो रहा है तो बंगाल, केरल और बाकी और जगह पर जहां हिंदी गठबंधन की सरकारें हैं वहां पर कितना धर्मांतरण हो रहा होगा। अगर उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, जहां इतने दिन से बीजेपी की सरकार है, जहां ट्रिपल इंजन की सरकार है, वहां आज भी पत्थरबाजी हो रही है, हिंदू खौफ में है, तो बंगाल में हिंदुओं की क्या स्थिति होगी, केरल में हिंदुओं की क्या स्थिति होगी। नियम कानून बदलना पड़ेगा। दुबई में 15% हिंदू हैं फिर भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, भारत में 80% हैं फिर भी अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं, दुबई में 15% हिंदू हैं फिर भी वहां कोई पत्थरबाजी करने की हिम्मत नहीं करता, कोई सरपंच हुदा का नारा नहीं लगाता, कभी कोई वहां पे हत्या नहीं होती, कोई अवैध निर्माण नहीं होता। क्यों? क्योंकि कानून का खौफ है। हमारे यहाँ सब कुछ इसलिए चल रहा है क्योंकि हमारा कानून घटिया है। इस वीडियो को अच्छे से शेयर करिएगा, अपने ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर जरूर डालिएगा और अपने सांसदों विधायकों से पूछिए ये घटिया नियम कानून कब बदलेंगे।